जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं 2023 में नेटफ्लिक्स पे आई एक हॉरर फिल्म लॉकडेन के बारे में। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें कैथरीन नाम की एक पेशेंट दिखाई जाती है जिसका बहुत ही बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसके दिमाग पे बहुत ही चोट आई थी और इसीलिए वो बातें तो सुन पा रही थी लेकिन वो रिएक्ट बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। उसकी नर्स होती है निकी, जो कि उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो उसे कोई भी रिएक्शन नहीं देती और कुछ भी नहीं कह पाती। उसकी एक डॉटर इन लॉ होती है लीना, जो कि बाहर ही बैठी हुई थी, और जब निकी उससे मिलती है तो वो उसे बताती है कि उसकी जो सास है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो कोई भी बात बताने के लिए समर्थ है ही नहीं। ये सुनकर लीना रोने लगती है और वो निकी को अपनी कहानी बताती है। वो उसे कहती है कि कई साल पहले कैथरीन एक बहुत ही बड़ी फिल्म स्टार थी और उसकी शादी एक अमीर बंदे से हुई थी जो कि एक बहुत ही बड़े एस्टेट का मालिक था, लेकिन उसके मर जाने के बाद उसने कैथरीन के नहीं बल्कि अपने बेटे के नाम वो प्रॉपर्टी कर दी थी। लीना कैथरीन की बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी और जब उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत हुई तो उसने कैथरीन को अपने कस्टडी में ही रख लिया था। कैथरीन भी उस महल में उसके साथ ही रहा करती थी और जेमी कैथरीन का स्टेप सन था, जिसे कैथरीन बहुत ही चिढ़ा करती थी क्योंकि उसके पिता ने उसके नाम वो सारी प्रॉपर्टी कर दी थी। जेमी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और उसे सीजर्स आया करते थे, जिसकी वजह से वो कहीं पर भी बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं था। लीना कैथरीन के साथ उसका ख्याल रखती थी और लीना और जेमी बचपन से एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए उन दोनों में प्यार भी हो गया था। लीना ने जेमी से वादा किया था वो उसका हमेशा ख्याल रखेगी और उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां लीना कैथरीन की हालत देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और नर्स निकी उसे बताती है कि अब भी उसकी तबीयत में कोई प्रोग्रेस नहीं है। उसके बाद ये कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहां हम देखते हैं कि लीना और जेमी जब बड़े हुए तो उन दोनों ने शादी कर ली और इससे कैथरीन को लीना से भी जलन होने लगी थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसने पैसों के लिए जेमी से शादी करी है ताकि वो इस प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाए। तभी पार्टी में जेमी को अचानक दौरे पड़ने लगते हैं, जिससे पूरी पार्टी रुइन हो जाती है और उसे कमरे में सुला दिया जाता है। उनके फैमिली डॉक्टर का नाम होता है रॉबर्ट, जो कि उसका देखभाल करता है, और वो उसे पेन किलर लेने के लिए कहता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं कि रॉबर्ट हॉस्पिटल के बाहर आता है और लीना उससे मिलने के लिए जाती है और नर्स ये सब देख रही होती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। उसके बाद लीना जब हॉस्पिटल जाती है तो देखती है कि नर्स कैथरीन का देखभाल कर रही है, लेकिन अभी कैथरीन कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तभी नर्स लीना को बुलाती है और उससे उसकी साफ़ सफाई करवाती है ताकि वो जान सके कि उसे कैसे साफ़ करना है। ये देखकर लीना बहुत ज़्यादा रोने लगती है और याद करती है कि उसने अपना पूरा जीवन इसी में बिता दिया है, क्योंकि जेमी को बीमारी थी और वही उसका देखभाल किया करती थी। जब भी जेमी को दौरे पड़ते थे वो उसके पास चली जाती थी और उसने जेमी को एक बेल भी दे रखी थी ताकि जब भी उसे नीड हो तो वो बेल बजा दे। लीना की लाइफ सिर्फ उसकी देखभाल करने में ही जा रही थी, जिसकी वजह से वो हमेशा रूठी हुई रहती थी, क्योंकि उसके बहुत ही सपने थे और उसे अपनी लाइफ एंजॉय करनी थी। एक दिन उसे अपनी प्रॉपर्टी में डॉक्टर मिलता है जो कि एक महंगी गाड़ी में आया हुआ था। वो उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई लॉटरी लगी है, तो वो उससे कहता है कि उसने अपने पैसों से खरीदी है। रॉबर्ट उससे कहता है कि आखिर वो कहाँ पे जा रही है, तो वो उसे बताती है कि वो स्विमिंग करने जा रही है क्योंकि वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है। रॉबर्ट उससे कहता है कि और भी तरीके हैं अपनी लाइफ एंजॉय करने के, और उसका यह डिसीजन उसे बहुत ही अच्छा लगा। जब वो स्विमिंग करके वापस आती है तो देखती है कि जेमी को बहुत ही तगड़ा सीजर हुआ था, लेकिन कैथरीन वहाँ पे मौजूद थी जो कि उसकी जान बचा लेती है। जेमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और भर्ती कर दिया जाता है, और वहाँ पे वही नर्स आती है जो कि उसका ख्याल रखती है, यानी कि वो नर्स जेमी की भी नर्स रह चुकी थी। वो डॉक्टर से कहती है कि आखिर वो उसे इतनी सारी पेन किलर्स क्यों दे रहा है, क्योंकि उसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है। ये सुनकर डॉक्टर उससे कहता है कि वो उसके काम में दखलअंदाजी ना करे, क्योंकि वो उनका फैमिली डॉक्टर है और वो कुछ भी करे उससे मतलब नहीं है। अगले दिन लीना डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि वो जेमी की तबीयत देखकर बहुत ज़्यादा डरती है, वो उसे छोड़ के जाना भी नहीं चाहती लेकिन वो अपनी लाइफ भी एंजॉय करना चाहती है। इस उनके डॉक्टर उसके नज़दीक आता है और उससे कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है, और लीना को ये बात बहुत ही पसंद आती है और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगले दिन लीना जब स्विमिंग करने के लिए जाती है तो उसके पैर में मोच आ जाती है, और जब वो वहाँ से जा रही होती है तो डॉक्टर उसे अपनी गाड़ी में छोड़ता है। कैथरीन जब ये देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे कहीं ना कहीं भनक लग जाती है कि शायद वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं। कैथरीन लीना को आगाह भी करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। रात को लीना बार में जाती है डॉक्टर से मिलने के लिए और उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि जेमी की हालत कभी भी ख़राब हो सकती थी। डॉक्टर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे घर छोड़ देगा। तो लीना उसकी गाड़ी रुकवाती है और उसके बाद उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अगले दिन वो लोग ये फैमिली डिनर ऑर्गेनाइज कराते हैं जहाँ डॉक्टर भी इनवाइटेड था, और जब डॉक्टर वहाँ पे आता है तो वो लीना के ड्रेस में एक चिट डाल देता है। वो लोग वहाँ पे कैथरीन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद खाना खाने लगते हैं, लेकिन कैथरीन अपनी स्पीच में कहती है कि लीना ने उसे धोखा दिया है। उसने लीना की माँ की कंडीशन देखकर उसे गोद लिया था, कि वो जानती थी कि उसकी माँ मर जाएगी और लीना को वो ऐसे नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वो उसे यहाँ पर लाई ताकि उसकी ज़िंदगी बन सके, लेकिन उसने उसके स्टेपसन को ही पटा लिया और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, क्योंकि वो एक लालची लड़की है और वो कभी नहीं सुधर सकती। ये सुनकर लीना को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उठ के वहाँ से चली जाती है।
जेमी कैथरीन से कहता है कि उन्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लीना सिर्फ उसका प्यार चाहती है और कुछ भी नहीं। लीना ये सारी बातें सुन रही होती है और उसके बाद वो डॉक्टर की शीट देखती है, जहाँ डॉक्टर ने उसे अपनी कार में मिलने के लिए बुलाया था। लीना वहाँ पे जाती है और उसके बाद वो दोनों मेकआउट करते हैं। लीना हर एक चीज़ अपनी डायरी में लिख रही होती है और जेमी उससे कहता है कि वो जानती है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है और उसके पास एक डायरी भी है, लेकिन उसने उसकी डायरी को नहीं पढ़ा है क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसके पर्सनल चीज़ें उसके पास ही रहे तो बढ़िया हैं। लीना इस उनके रोने लगती है और उससे कहती है कि उसे कुछ नहीं पता कि इंजॉयमेंट क्या होता है। उसके बाद लीना डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि जेमी को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या चाहती है। ये सुनकर डॉक्टर उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो जेमी को रास्ते से हटा सकते हैं, लेकिन लीना उससे कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लीना उससे कहती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वो जेमी को खोना नहीं चाहती। एक दिन डॉक्टर जेमी को सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो लीना के साथ एक आइलैंड पे जाए, जहाँ पे वो दोनों मिलकर एंजॉय कर सकें। वो जेमी को लेकर लीना के पास जाता है तो लीना उसे इनकार कर देती है और उससे कहती है कि उसका जाना वहाँ पे ठीक नहीं होगा, क्योंकि न जाने कब उसे दौरे पड़ जाएं और उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक होगा। और उसके बाद वो तीनों एक नाव में बैठ जाते हैं। जब डॉक्टर नाव चला रहा होता है तो वो चप्पुओं को फेंक देता है और उसके बाद वो बोट को पलट देता है, जिससे कि वो तीनों पानी में गिर जाते हैं। अब जेमी को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो नीचे जाने लगता है। लीना किसी तरह उसे पकड़ती है और उसे ऊपर लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डॉक्टर जेमी का पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे ले जाता है, जिससे जेमी की मौत हो जाती है और सिर्फ वही दोनों बाहर निकल पाते हैं। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पर आती है और कैथरीन जेमी की लाश को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसके बाद कैथरीन और लीना बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, क्योंकि लीना कभी भी जेमी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसकी नहीं सुनी और उसने उसे मार डाला। लीना अपने आप को कमरे में बंद करके रहने लगी, क्योंकि उसे जेमी की मौत से बहुत ज़्यादा दुख था, लेकिन उसे एहसास होता था कि जेमी उसके आसपास ही है। एक दिन डॉक्टर उसके कमरे में आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, और तभी लीना जेमी की आत्मा को इमेजिन करती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। डॉक्टर उससे कहता है कि उसने सिर्फ उसके लिए ये किया ताकि वो उसका प्यार पा सके और ये पूरी प्रॉपर्टी अब उसके नाम होने वाली है, क्योंकि वो जेमी की बीवी थी और उसके मरने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी उसकी हुई। लीना उससे कहती है कि उसे कभी प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं। डॉक्टर उससे कहता है कि ये सारा इल्ज़ाम वो उस पर ना लगाए, क्योंकि उन दोनों का ये प्लान था और उसने उसकी डायरी भी पढ़ी थी, जिसमें वो ऐसे कई सारे तरीके ढूंढती थी ताकि वो जेमी को मार सके, और अगर वो ज़्यादा बोलेगी तो वो पुलिस को ये डायरी दे देगा, जिससे ये साबित हो जाएगा कि उसी ने उसे मारा है। ये सुनकर लीना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर चली जाती है। जब वहाँ पे पहुँचती है तो वो कैथरीन और डॉक्टर को देखती है, जो कि मेकआउट कर रहे थे, और उसे पता चलता है कि डॉक्टर डबल गेम खेल रहा है, यानी कि उसने कैथरीन को भी अपने जाल में फंसा रखा है, यानी कि ये कैथरीन और उसकी मिली भगत थी ताकि वो प्रॉपर्टी कैथरीन के नाम हो सके। लीना ये देखकर वहाँ से जाने लगती है और वो दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जब डॉक्टर वहाँ पर आता है तो वो उसके हाथ में एक चाकू घुसा देती है और उसके बाद वो वहाँ से भागने लगती है। वो दोनों उसे जान से मारने के लिए पकड़ने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अब वो सीधा पुलिस के पास जाएगी और सारी बात बता देगी। और इसी अफला तफड़ी में कैथरीन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम कैथरीन को देखते हैं, जो कि अपनी आंखें चलाने लगी थी, और नर्स उससे कहती है कि ये बहुत ही अच्छा संकेत है। वो एक अल्फ़ाबेट बोर्ड लाती है और हर एक लेटर को पढ़ने लगती है और उसे कहती है कि वो जो भी बोलना चाहती है वो ब्लिंक करे। कैथरीन उसे बताती है कि उसका अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। वो नर्स को सारी बात बता देती है और लीना ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और तुरंत डॉक्टर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। डॉक्टर उससे कहता है कि उन्हें कैथरीन को किडनैप करना होगा, क्योंकि वो नर्स पुलिस को ज़रूर बुलाएगी और वो लोग पकड़े जाएंगे। नर्स पुलिस को कॉल कर देती है और वो दोनों उसे किडनैप करके अपने घर ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर एक डोज तैयार करता है उसे जान से मारने के लिए। डॉक्टर लीना को एक मैसेज भेजती है और उसे बताती है कि दरअसल कैथरीन उसे मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो उसे बचा रही थी और रॉबर्ट उसे मारना चाहता था, इसीलिए रॉबर्ट ने कैथरीन के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी। ये जान के लीना सतर्क हो जाती है और वो रॉबर्ट को जान से मार डालती है, और तभी नर्स वहाँ पे पुलिस लेकर आ जाती है और वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लीना नर्स से पूछती है कि क्या वो पुलिस को सारी बात बता देगी, तो नर्स उसे बताती है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी करतूत उन्हें नहीं बताएगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएँ नोटिफिकेशन के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।